विधायक जयवर्धन सिंह ने किया 100 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्धन सिंह द्वारा राधोगढ़ एवं रुठियाई में 100 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन किया गया, जिसमें 92 करोड़ के जल आवर्धन योजना भी शामिल है। इस मौके पर जयवर्धन सिंह ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता क्षेत्र का विकास है, वहीं इसमें 5 करोड़ की राशि साडा कॉलोनी रोड के लिए लाई गई है। 2.5 करोड़ से बस स्टैंड सामुदायिक भवन भी बनाया जाएगा। पर भी ऐसे काफी बाड़ी है जहां पर पूरी कच्ची रोड है, बारिश के समय पूरा वहां पर कीचड़ रहता है, और ऐसे भी काफी वहां बाड़ियां हैं जहां पर साल के 12 महीने वहां पर कीचड़ रहता है, जिससे वहां के जो लोग हैं, हमारे जो बाड़ियों में निवास करते हैं, उनको काफी दिक्कत आती है स्कूल जाने में और शहर में आने में। तो उसके लिए भी हमने घोषणा पत्र में विशेष बाड़ी पैकेज के बारे में उसमें बात हमने की थी, और जो 19-20 का जो वित्तीय वर्ष है जो 31 मार्च के बाद प्रारंभ हो जाएगा, उसमें मैं विशेष बाड़ी पैकेज के लिए भी इसमें 5 करोड़ रुपए आवंटित करवा दूंगा, जिससे हमारे बाड़ियों में भी अच्छा विकास कार्य हो जाए। मेरा सीएमओ साहब से आग्रह है कि इसकी आप एक विशेष सर्वे कराएं, जिसके माध्यम से जो भी हमारे शहर की जो बाड़ियां हैं उनकी पूरी सर्वे हो, और उसमें कुल कितनी लागत की आवश्यकता है उन पूरी बाड़ियों में पूरा अच्छा निर्माण कार्य करने की, उसका हमें जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ में बरखेड़ी मेवाती की जो सड़क है वो भी खराब पड़ी है, उसका भी शायद सर्वे हो चुका है और शायद टेंडर भी उसका हो चुका है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो रोड भी जल्द से जल्द बन जाएगी।